देशकु निशामुक्त करबाकु बड़ पदक्षेप ड्रग्स मुक्त भारत गठन पई चली बड़ ऑपरेशन आज देशर विभिन्न स्थान में एक संगे नष्ट करा जाई 1,40,000 किलोग्राम रु अधिक ड्रग्स आउ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जोड़ी हुई यार अनुध्यान करिछंती केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह वर्चुअल उपस्थित रे एही ड्रग्स को नष्ट करा जाई छि जहार आनुमानिक मूल्य 2,381 कोटी टंका रु अधिक हेबो। ड्रग्स चोरा चलाण एवं जातीय सुरक्षा सम्मेलन में जोगदेवा सह नुआ दिल्ली रु भिसी जोगे जोड़ी होते अमित शाह केवल मध्यप्रदेश यूनिट 1,03,000 यूनिट ड्रग्स नष्ट करथिबा बेले हैदराबाद यूनिट 6,590 केजी इंदौर यूनिट 822 केजी जम्मू यूनिट 356 केजी आसाम यूनिट 1,486 केजी गुजरात यूनिट 4,277 यूनिट ड्रग्स नष्ट करिछे। जूप 2022 आज मध्य देश में 8,67,000 किलोग्राम ओजन ड्रग्स नष्ट करिछि नार्को विभाग जार आनुमानिक मूल्य 9,580 कोटी टंका। ड्रग के डिटेक्शन, नेटवर्क के डिस्ट्रक्शन, कल्प्रिट के डिटेंशन और एडिक्ट्स के रिहैबिलिटेशन, ये चारों मुद्दों पर समान प्रकार से तवज्जो देते हुए मैं आगे बढ़ना होगा। डिटेक्शन, डिस्ट्रक्शन और डिटेंशन में काफी अच्छा काम हुआ है, परंतु मैं सभी नार्कोटिक्स कंट्रोल के साथ जुड़ी हुई एजेंसियों को कहना चाहता हूं कि जब तक रिहैबिलिटेशन को हम नहीं करेंगे और उनके मुक्त होने के बाद उन पर ध्यान नहीं रखेंगे, ये लड़ाई हमारी सफल नहीं हो सकती। ये हमारे पुराणों में वर्णित रक्त बीज के राक्षस जैसी लड़ाई है, वो तभी समाप्त हो सकती है कि एक एक रिहैबिलिटेड युवा को हम केयर करें, हमारे परिवार के युवा की तरह ट्रीट करें और उसको संपूर्ण जीवन के लिए नशे से मुक्त करने की दिशा में ले जाएं।